हे गाइस, आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू से हेलो। वेल गाइस, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला वर्ड हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एंड हाउ आर यू, यही हम लोग बोलते हैं। बट आज के सेशन पे हम लोग बात करेंगे डिफरेंट वेज टू से हेलो, किस तरीके हम हेलो को रिमूव करके उसके प्लेस पे नए नए फ्रेजेस एंड वर्ड यूज़ करेंगे, जिससे हमारी कॉन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव लगेगी। वेल गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं हाउडी। वेल गाइस, आपने इस चीज़ को बोला तो नहीं होगा कभी, बट आपने देखा ज़रूर होगा, जब भी हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं या कहीं पे अप्लाई वगैरह करते हैं तो वहाँ पे लिख, सबसे पहले क्या लिख के आता है, हाउडी, एंड उस पर फिर लिख के आता है आपका नेम। जैसे आपने फेसबुक में देखा होगा बहुत बार, उस पर क्या लिख के आता है, जैसे हम किसी फ्रेंड से बात ना करें तो उस पर क्या लिख के आता है, मतलब कि पर्सन इज़ वेविंग यू, मतलब उस पर्सन का नाम होता है एंड वेविंग यू, एंड उसके बाद में लिख के आता है हाउडी, मतलब एक टाटा का बन के आता है एंड उस पर लिखा होता है हाउडी। तो इसको हम लोग एग्जांपल अगर लें तो हम लोग क्या बोलेंगे, जस्ट गो एंड से हाउडी टू पीपल, मतलब कि एक इंसान किसी इंसान से बोल रहा है, केवल आप जाइए और लोगों से क्या बोलिए, हाउडी बोलिए। तो हाउडी भी हम लोग हेलो के प्लेस पे बोल सकते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ये वर्ड लगता है। बोलिए सेकेंड अब बात करने जा रहे हैं हाई देयर। हाई देयर का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी से मिलने जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमको एक प्रेजेंटेशन देनी है एंड उस प्रेजेंटेशन में हम एंटर करते हैं, तो वहाँ पे हेलो गाइस की जगह पे आप क्या बोल सकते हो, हाय देयर, एंड इसको हम लोग एग्जांपल में किस तरीके देते हैं वो देखते हैं। जैसे हाय देयर दिस इज़, एंड भी अपना आप नाम वहाँ पर बोल सकते हो, हेलो गाइस दिस इज़ एक्स वाई जेड या दिस इज़ ये, तो ये बोलने की जगह आप बोल सकते हो हाय देयर दिस इज़ मिस्टर, अपना नाम आप वहाँ पे बोल सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा एंड ऑडियंस को आप एक अटेंशन उनका गेन कर पाएंगे। बोल गए सेकेंड हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं हे व्हाट्सअप। हे व्हाट्सअप मतलब इस पे आपने उनको एक हेलो का मैसेज भी दे दिया है एंड व्हाट्सअप मतलब कैसे हो, तो इस पे हम लोग बोल सकते हैं हे व्हाट्सअप। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, हे व्हाट्सअप व्हाई आर यू सिटिंग ओवर हियर, मतलब जैसे कोई इंसान बैठा हुआ है वहाँ पे उदास होके एंड हम लोग जाते हैं, हे व्हाट्सअप मतलब कि अरे कैसे हो, हाउ आर यू मतलब कि आप कैसे हो, उसकी जगह पे आप बोल सकते हो व्हाट्सअप, एंड व्हाई आर यू सिटिंग ओवर हियर आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। बोल गए नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ आर द थिंग्स। ओके, हाउ आर द थिंग्स, इस पे भी हम लोग बोल सकते हैं हाउ आर द थिंग्स, मतलब कि जब हम किसी से मिलते हैं बहुत दिन बाद या फिर कुछ समय बाद या एक दिन बाद, तो हम लोग बोलते हैं और बेटा कैसे सारी चीज़ें चल रही हैं, हम लोग पूछते नहीं और बताइए क्या हालचाल हैं, तो उस तरीके आप बोल सकते हो हाउ आर द थिंग्स, मतलब कि सारी चीज़ें कैसी हैं, मतलब हम पूछना चाह रहे हैं और बताओ क्या चल रहा है। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो हाउ आर ऑल थिंग्स गोइंग, मतलब कि सारी चीज़ें कैसी चल रही हैं, मतलब आपका बिजनेस या फिर आपका काम वगैरह कैसा चल रहा है, इसका हम लोग मतलब ये होता है हाउ आर थिंग्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइस टू सी यू, मतलब कि आपको देख के अच्छा लगा। तो हेलो मतलब हेलो बोलते हैं हम लोग, हेलो मतलब फ्रेंड बोला हेलो फ्रेंड्स, तो ये चीज़ की जगह आप क्या बोल सकते हो नाइस टू यू, नाइस टू सी यू फ्रेंड्स, मतलब कि आपको देख के बहुत अच्छा लगा। बल्कि इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो रियली इट्स नाइस टू सी यू राहुल, मतलब राहुल रियली में मतलब वास्तव में आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं नाइस टू सी यू। ओके, बल्कि बहुत से लोग कहेंगे नाइस टू सी यू को मतलब हम लोग लास्ट में यूज करते हैं एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, जब हम लोग कॉन्वर्सेशन खत्म करते हैं, बट माई डियर फ्रेंड्स वो होता है नाइस टू मीट यू। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे वॉट इज़ द डिफरेंट वेज टू से नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू भी हम लोग बहुत ओल्ड वर्ड बोल सकते हैं, ओल्ड फ्रेज बोल सकते हैं, उसके प्लेस पे क्या नए नए वर्ड यूज करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बोल गए नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। बोल गए ये कब यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग किसी फ्रेंड से मिलते हैं एंड वो फ्रेंड हमको बहुत दिनों बाद मिलता है, बहुत दिनों बाद बोलते हैं अरे यार तुम तो ईद की चांद हो गए हो, तुम तो दिखते ही नहीं हो, एंड जिस फ्रेंड से हम बहुत दिनों बाद मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नाइस लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब बहुत दिन होगा तुमको नहीं देखा है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, हे प्रशांत लॉन्ग टाइम नो सी हाउ हैव यू बीन अप टू, हे प्रशांत बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग, अभी तक आप कैसे थे, मतलब कि अभी तक जब तक मैं आपके साथ में नहीं था तब तक आपके साथ में सारी चीज़ें कैसी हुई, तो इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। लॉन्ग टाइम नो सी है प्रशांत, लॉन्ग टाइम नो सी हाउ हैव यू बीन अप टू, अभी तक आप कैसे थे। बोल गए नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट्स न्यू विद यू। व्हाट्स न्यू विद यू इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं,
जैसे कि आपका कोई दोस्त आता है एंड दोस्त आता है हमसे मिलता है एंड हम लोग बोलते हैं, और यार तुम बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, आपके साथ में क्या हुआ नया, ठीक है, कल आपके साथ में क्या हुआ नया, तो हम लोग बोलते हैं व्हाट्स न्यू विद यू। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो राहुल टेल मी व्हाट्स न्यू विद यू, एंड इसके बाद आप यस्टरडे या फिर लास्ट मंडे, ये भी आप इसमें टाइम को भी इंडिकेट कर सकते हो। ओके, तो व्हाट्स न्यू विद यू ये भी एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ही लगता है। बोल गए, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट्स हैपनिंग। व्हाट्स हैपनिंग का यूज कब करते हैं, जैसे आप स्टेज पे जाते हो, प्रेजेंटेशन देते हो या फिर कॉलेज या स्कूल में जाते हो तो बोलते हो व्हाट्स हैपनिंग, और मेरे दोस्तों व्हाट्स हैपनिंग मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जैसे हम लोग बोलते नहीं और यार क्या चल रहा है तुम्हारा, तो उस तरीके हम लोग इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में व्हाट्स हैपनिंग। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो हे व्हाट्स हैपनिंग माई डियर यू सीम टायर्ड, मतलब कि मेरे प्यारे दोस्त और क्या चल रहा है, तुम बहुत थके थके लग रहे हो। तो इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग किसी के हाल या चाल पूछते हैं, व्हाट्स हैपनिंग और क्या चल रहा है। बोल गया, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ इज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग मतलब कि सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं, ये तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है, तो उसका यूज़ हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, हे ड्यूड रोमी हाउ इज़ योर बिजनेस डूइंग। इट की जगह पे आप उस पर्टिकुलर चीज़ को बोल सकते हो, थिंग्स को बोल सकते हो जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो। ओके, जैसे इसमें लिखा है हाउ इज़ योर बिजनेस, सॉरी यहाँ पे यू लिखा है, इसको आप योर लिख लीजिएगा, एंड यहाँ पे योर बिजनेस, तो इट की जगह पे इसने क्या बोल दिया है, बिजनेस, एंड आगे पे क्या लिखा है, गोइंग। तो हे ड्यूज मतलब मेरे प्यारे रोमी हाउ इज़ योर बिजनेस डूइंग, मतलब आपका बिजनेस क्या सा चल रहा है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो। लाइफ के बारे में पूछना है तो आप बोल सकते हो हे ड्यूड रोमी हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग, मतलब आपकी लाइफ कैसी चल रही है। ओके, बोल गए, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन की मतलब क्या होता है कि क्या चल रहा है आजकल, आजकल आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसका हम लोग बोलते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, और बताइए भैया क्या चल रहा है। तो इसका एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल है पुष्कर व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू। पुष्कर, हेलो पुष्कर, व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू, और बेटा पुष्कर आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये हो गया हिंदी में। एंड जैसे उसको इंग्लिश में बोल दीजिए हेलो पुष्कर, जैसे हेलो तो हम लोग बोलना नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाउ डी पुष्कर व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू। ओके, आपके साथ में क्या चल रहा है आजकल। बोल गए, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाय। लास्ट है आपका, इसको हम लोग लास्ट मिल गया है, तो हेलो को हटा के हम लोग हाय भी बोल सकते हैं। सिंपल, ये बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल वे है ना, इसको हम लोग बॉस या ऑफिस वगैरह में नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल वर्ड है, टीचर के साथ में ये हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो ये हमारा हाय वर्ड है, इसका भी मतलब क्या है कि मतलब वो आपको एक आते आते कोई विश कर रहा है। तो हम लोग इसकी अगर एग्जाम्पल ही बात करें, एग्जाम्पल देखते हैं तो गुड नून ड्यूड हाउ आर यू टूडे। तो गुड नून ड्यूड हाउ आर यू टूडे मतलब कि एक हमने विश कर दिया टाइम के अकॉर्डिंग, गुड नून है तो नून बोल दिया, इवनिंग है तो इवनिंग बोल दिया, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग बोल देते हैं। ओके, एंड उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं हाय या फिर हाउ आर यू टूडे, मतलब आज आप कैसे हैं। वेल गाइस, इट्स एनफ फॉर टूडे, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम स्टे होम स्टे सेफ।